आज के इस अकाउंटिंग एंट्री के सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग बैड डेट रिकवरी की एंट्री करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफ नॉलेज कैंपस। लेट्स स्टार्ट। बिजनेस में जब भी बैड डेट होती है तो हम लोग क्या करते हैं, जिस डेटर ने बैड डेट किया है हम लोग उस डेटर को डेटर के रजिस्टर से कैंसिल कर देते हैं, यानी कि उस डेटर का नाम डेटर के लिस्ट से हम लोग डिलीट कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिस डेटर ने बैड डेट किया था बाद में जाकर अनएक्सपेक्टेडली वो डेटर अपने ड्यू को क्लियर कर देता है। लेकिन डेटर ने अपना ड्यू तो बाद में क्लियर कर दिया, लेकिन अब तो हमने उसका नाम पहले ही डेटर के लिस्ट से कैंसिल कर दिया है, तो इसकी एंट्री भला हम लोग कैसे करेंगे? अगर नॉर्मली हम लोग डेटर से पेमेंट रिसीव करते हैं तो हम लोग डेटर के नाम से उस पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जब हम लोगों ने बैड डेट को रिकॉर्ड किया था उस टाइम हमने ऑलरेडी डेटर को डेटर के लिस्ट से माइनस कर दिया, डिलीट कर दिया। तो अब बाद में जब इस बैड डेट की रिकवरी होगी तो हम लोग आखिर इसे डेटर के नाम से तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते, फिर कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो इसके लिए हम लोग एक नए अकाउंट को ओपन करते हैं जिसका नाम होता है बैड डेट रिकवरी अकाउंट या बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। और जर्नल एंट्री जो हम लोग बनाते हैं वो होती है कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। लॉजिक के हिसाब से अगर हम लोग बात करें कि ये एंट्री कैसे बनी, तो कैश या बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं क्योंकि जब हमें पैसे मिलते हैं हमारे बैड डेट के, जब हमारी रिकवरी होती है बैड डेट की, तो इससे हमारा कैश या बैंक का बैलेंस बढ़ता है। और कैश और बैंक का नेचर बिजनेस में एसेट का होता है, तो मॉडर्न रूल के हिसाब से हम लोग इसे डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। बैड डेट रिकवरी को हम लोग क्रेडिट में इसलिए रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि जब पुराने लॉस की रिकवरी होती है तो कहीं ना कहीं बिजनेस में इसे एक इनकम की तरह कंसिडर किया जाता है, और इसलिए बैड डेट की रिकवरी होने पर हम लोग ये मानते हैं कि हमारे बिजनेस में इनकम हुई है, और इनकम के बढ़ने पर हम लोग मॉडल के हिसाब से इसे क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट के नाम से या बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट के नाम से। अगर हम लोग इसी चीज को और डिटेल में समझें, तो जब बैड डेट होती है तो हम लोग इसे डेबिट के साइड में रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि बैड डेट बिजनेस के लिए लॉस है, और मॉडल रूल के हिसाब से किसी भी लॉस के बढ़ने पर हम लोग उसे डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, और इसलिए बैड डेट को भी हम लोग डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन बाद में जाकर अगर किसी भी बैड डेट का हमें रिकवरी हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी रिवर्सल एंट्री पास करते हैं, यानी कि बैड डेट को जो हमने पहले डेबिट में रिकॉर्ड किया था बाद में जब इसकी रिकवरी हो जाएगी तो हमें इस एंट्री को रिवर्स करना होगा, इसे नलिफाई करने के लिए, कैंसिल करने के लिए। और बैड डेट को हम लोग रिवर्स साइड में यानी कि क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं तो हम लोग इसका नाम देते हैं बैड डेट रिकवरी अकाउंट या बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। तो फाइनल जो एंट्री बनती है बैड डेट रिकवरी की वो बनती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट। कैश या बैंक डेबिट इसलिए होती है क्योंकि एसेट बढ़ रही है बिजनेस की, और बैड डेट रिकवरी को हम लोग क्रेडिट इसलिए करते हैं क्योंकि इसे इनकम कंसिडर किया जाता है, पर एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे हैं, बैड डेट अकाउंट जो पहले डेबिट किया था उसी का रिवर्सल कर रहे हैं और बैड डेट रिकवरी अकाउंट को क्रेडिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बैड डेट की रिकवरी को बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, इसी तरीके के रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।